नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम बिजनेस ट्रायंगल है। तो देखा जाए, जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन के वॉर के वजह से काफ़ी मार्केट गिरा हुआ है, 10% से ज़्यादा की गिरावट मार्केट में हुई है। इस गिरावट में एक मौका है जो बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स बहुत ही अच्छे रेट पर मिल रहे हैं, जो देखा जाए अपने 52 वीक लो से 20%, 25%, 30%, 35% की लो पर मिल रहे हैं। तो आपके सामने एक मौका है कि आप भी इस समय अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके एक अच्छा रिटर्न पूरे साल में आप यहाँ से कमा सकते हैं। जैसे कि देखा जाए, अभी मैं वैसे तो अभी जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी टॉप शेयर हैं, वो काफ़ी गिरे हुए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिनमें काफ़ी अच्छा मौका है। अगर आप उनको पकड़ते हैं तो एक इस साल में या आने वाले 5 साल में 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न आप वहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। जिसमें हमारा देखा जाए तो पहला जो शेयर है वो हैप्पीएस्ट माइंड है। ये एक IT सेक्टर का शेयर है, ये बहुत ही अच्छा शेयर है। अभी देखा जाए तो करीब 30 से 35% के गिरावट में है, और अभी अगर ये इसको पकड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आने वाले टाइम पे आप इनकम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक IT सेक्टर का शेयर है और IT सेक्टर का आगे चल के बूम बहुत सारा है। और दूसरा देखा जाए तो IEX है, ये एक मोनोपोली शेयर है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो एनर्जी के सेक्टर में काम करता है अपना, और एक मोनोपोली है अपने सेक्टर का। तीसरा टाटा पावर है, जो पावर सेक्टर में काम करता है, जो आगे चल करके EV चार्जिंग स्टेशन, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसमें काफ़ी अच्छा काम करने वाला है, वो काफ़ी अच्छा शेयर है ये, जो अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल रहा है आपको। चौथा है आपका टाटा मोटर, जो आज देखा जाए तो मारुति सुजुकी के बाद टाटा मोटर का ही नाम लिया जाता है, लेकिन अभी टाटा मोटर देखा जाए तो मारुति सुजुकी को भी पीछे करने वाला है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं, और बहुत अच्छे शेयर्स हैं जो बहुत अच्छी गिरावट पर मिल रहे हैं। अभी देखा जाए तो इसमें भी 20 से 25% की गिरावट टाटा मोटर्स में अवेलेबल है। और अभी देखा जाए ट्राइडेंट शेयर है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा शेयर है अपने टेक्सटाइल सेक्टर का, और इसमें भी करीब 25 से 30% की गिरावट है। इसमें भी एक मौका है, मतलब जितने भी मैं आपको शेयर का नाम बता रहा हूँ सभी में बहुत ही अच्छा एक मौका है इस टाइम पर पकड़ने का, जो 25 से 30% की गिरावट में मिल रहे हैं और आने वाले टाइम पर बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा HFCL शेयर, जो ये भी अब देखा जाए तो 25 से 30% की गिरावट में है। फिर TV18 है, ये भी बहुत ही अच्छा शेयर है। फिर दीपक नाइट्राइट है, ये एक केमिकल सेक्टर का बहुत ही अच्छा शेयर है, जो अभी देखा जाए तो 20-25% से भी ज़्यादा गिरावट में आपको ये मिल जा रहा है। ये सब शेयर ऐसे हैं जो जिनको आप आँख मूंद करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 साल 10 साल बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। फिर आपका 9वां शेयर है InfoEdge, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है, एक मल्टीबैगर शेयर है, जिसमें आप इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं, बहुत ही डीप डिस्काउंट में आपको मिल रहा है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड प्राइस में आपको ये मिल रहा है InfoEdge। और लास्ट शेयर है मेरा मुथूट फाइनेंस का, मुथूट फाइनेंस एक बेहतरीन बेस्ट शेयर है, जो बहुत ही आपको अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है, बहुत ही अच्छे प्राइस में इसमें देखा जाए तो कम से कम 20-25-30% के डिस्काउंट में आपको मिल रहा है, और ये बहुत ही बेहतरीन शेयर है। आने वाले 4 साल 5 साल में ये बहुत 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 ही अच्छा रिटर्न देने वाला है मुझे फाइनेंस। और जितने भी मैंने शेयर्स के नाम लिए हुए हैं, सभी शेयर्स जो हैं आने वाले टाइम के मल्टीबैगर से होने वाले हैं, तो आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिए और अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है आप इस पर फोकस कीजिए। बहुत ही अच्छा शेयर है, जो आप इस टाइम पर काफ़ी डीप डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इसके बारे में पूरा रिसर्च कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आप इनका नाम डालेंगे तो एक नाम पे 10-10 वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बारे में आप रिसर्च कीजिए, कुछ अपने से भी रिसर्च कीजिए। इनकी कुछ एनुअली प्रेजेंटेशन होते हैं, जो इनका एनुअली रिजल्ट होता है, क्वार्टरली रिजल्ट होता है, उनको आप चेक कीजिए। आप टिकट टिप पर जा करके इनका क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर सकते हैं, टिकट टिप ऐप का नाम है, जहाँ से आप जा करके अपने इनका क्वार्टरली पूरा रिजल्ट देख सकते हैं कि क्वार्टरली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सब ग्रोविंग सेक्टर हैं, सब में अच्छा परफॉर्मेंस है, सब अच्छे सेक्टर में आज काम कर रहे हैं और एक बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर की एक मल्टी बैगर शेयर हैं और वो रहेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी इस टाइम पे आप बिल्कुल डरिए मत, ये एक मौका है, धोखा नहीं है, मौका है, इस मौके को पहचानिए और अपना इन्वेस्टमेंट ये सब शेयर्स में ज़रूर ध्यान दीजिए और कीजिए। ओके, धन्यवाद।